हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो डीसी एंड पीजी डीसी सेकेंड सेमेस्टर जो हमारी बुक है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें हम बात करेंगे ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस की संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके पहले मैंने 5 से 6 क्लास और अपलोड कर दिया है। आप इसी वीडियो की लिंक में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो जो 5 क्लास है उसकी भी वीडियो आपको एकदम सिक्वेंस वाइज मिलेगी, आप देखते चलना, ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि ईमेल क्या है। इसके पहले मैंने ये भी बताया था कि ईमेल किसे कहते हैं, इसमें यूज होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है इसी में, तो उसमें ईमेल एड्रेस की संरचना को पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ईमेल क्या है। तो ईमेल क्या होता है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा किसी भी कंपनी की आईडी से किसी भी मेल को सेंड कर सकते हैं। अर्थात ईमेल एक ऐसी सुविधा है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम कॉस्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी भी प्रकार की ईमेल को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे ईमेल कहते हैं, राइट। अब ईमेल एड्रेस की संरचना, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ईमेल एड्रेस होता है उसके मुख्य रूप से 5 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं। अब वो कौन कौन से सेक्शन होते हैं थोड़ा सा मैं यहां पर लिखता हूं। पहले होता है अपना ईमेल एड्रेस, क्या होता है, ईमेल एड्रेस, ओके। इसके बाद अपना जाता है दूसरा हेडर, और हेडर में हम क्या करते हैं, टाइम और डेट देखते हैं। अभी सारी चीजें बता दूंगा मैं बहुत अच्छे से, आप देखते बस चलना सारी चीजें। तीसरा अपना आता है बॉडी, चौथा इसी में आता है अपना अटैचमेंट, अटैचमेंट, और इसी में पांचवा जाता है अपना क्या, सिग्नेचर, सिग्नेचर, सिग्नेचर होता है। मतलब ईमेल आईडी यदि आपने ओपन किया है तो आपके ये 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से कि पहले में क्या होता है, ईमेल एड्रेस, हेडर, बॉडी, अटैचमेंट और सिग्नेचर। अब इन 5 ऑप्शन में क्या होता है मैं एक एक ऑप्शन में आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर पहला हम क्या लेते हैं, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का मतलब क्या होता है, जिस भी मेल, जो भी जो हमारा मेल होता है, यह मेल हमें किस एड्रेस में सेंड करना है उस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए हम ईमेल एड्रेस का यूज करते हैं। अब इसकी संरचना जो होती है ईमेल की वो कुछ इस तरह होती है, जैसे मैं यहां पर लिखा युवा कंप्यूटर, ध्यान से समझना, मैंने लिखा युवा कंप्यूटर 123@gmail.com, क्या, gmail.com। अब इसमें कुछ भाग होते हैं, ये वाला जो हमारा भाग कहलाता है ये कहलाता है हमारा क्या, यूजर नेम, यूजर नेम कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, सिंबल, ओके। ये हमारा डोमेन नेम कहलाता है, डोमेन नेम, ओके। और जो ये हमारा कहलाता है, ये कहलाता है डोमेन एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन। अच्छा, अब इसमें यूजर नेम मतलब जो हम अकाउंट बनाते हैं वो किस नाम से बनाते हैं। तो मैंने बोला युवा कंप्यूटर नाम से मैंने ईमेल आईडी का एक अकाउंट बनाया, और यूजर नेम में क्या होता है, आप मेल आईडी का नाम लिखते हो, फिर यहां पर एक चिन्ह लगाना पड़ता है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, हम एट द रेट का चिन्ह बोलते हैं। फिर जीमेल क्या होता है, हमारा डोमेन नेम होता है, और ये होता है डोमेन एक्सटेंशन। डोमेन एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, यदि आपने .com लगाया तो इसका मतलब जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो या भेजना चाहते हो वो किस रूप में है, वो कॉमर्शियल रूप में है। यदि मैं यहाँ पर .edu लगाता हूँ तो ये एजुकेशनल में है, यदि मैं .in लगाता हूँ तो ये इंडिया के लिए है, कंट्री के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डोमेन नेम चेंज होंगे तो इसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, राइट। यदि सीपीसीटी में क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है उसकी संरचना में कुल कितने भाग होते हैं, तो उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। एक होता है यूजर नेम का, दूसरा होता है डोमेन नेम का, ठीक है ना।
और तीसरा भाग जो होता है वो सिंबल होता है। ऐसे भी पूछता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को आपस में किस सिंबल के द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आता है, एट द रेट का चिन्ह, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी ईमेल एड्रेस की संरचना। हम इसको ऐसे ब्लैक कलर के डब्बे से बंद कर देंगे, फिर हम इनके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो यूजर नेम होता है ये हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग नेम होता है, जो सिंबल होता है यह अपने यूजर नेम और डोमेन नेम को आपस में क्या करता है, अलग अलग करता है। और बात करते हैं हम डोमेन नेम की, तो डोमेन नेम जो होता है वो किसी भी कंपनी के द्वारा बनाया होता है। जैसे ये डोमेन नेम किस कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है, गूगल कंपनी के द्वारा, इसलिए उन्होंने अपना जो डोमेन रखा है वो जीमेल रखा है, ठीक है ना। क्या रखा है, जीमेल। यदि याहू होता तो हम याहू मेल रख सकते थे, मतलब जो भी कंपनियां होती हैं डोमेन नेम अपने अकॉर्डिंग रख लेती हैं। और डोमेन एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, कोड होता है। यदि आप कोड चेंज करोगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होती है, अपनी ईमेल की संरचना होती है। इसके बाद में बात करता हूं हेडर। यदि आपने मेल बॉक्स खोला है तो पहले तो आप ईमेल एड्रेस जाते हैं कि हमें किस मेल में इसको सेंड करना होता है, किस एड्रेस मेल में, राइट। इसके बाद हेडर, हेडर का मतलब क्या होता है कि जो मैंने मेल सेंड किया है वह है उसका टाइम क्या है, उसका डेट क्या है, ये सारी चीज हम कहां पर देखते हैं, हेडर ऑप्शन में देखते हैं। तीसरा ऑप्शन अपना आता है बॉडी का, तो बॉडी में क्या देखा जाता है, बॉडी में ये देखा जाता है कि जो मेल हमने सेंड किया है उस मेल के अंदर हमने क्या लिखा है, मतलब मेल की पूरा जो डेटा होता है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, ये सब कहाँ देखते हैं, हम बॉडी में लिखते हैं, और बॉडी के अंदर ही ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। इसके बाद बात की जाती है अटैचमेंट की। अटैचमेंट का मतलब होता है लिंक करना। यदि मैं पहले से कोई फाइल बना के रखता हूं या फिर मेरे को किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को सेंड करना है, किसी प्रकार की इमेज को सेंड करना है, तो आपको जो ऑप्शन मिलता है वो लिंक का मिलता है। लिंक मतलब होता है अटैचमेंट। जैसे ही मैं अटैचमेंट में क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल की पूरी गैलरी खुल के आ जाएगी, और यदि आप कंप्यूटर में सर्च करोगे तो आप जैसे ही अटैचमेंट में क्लिक करोगे तो आपका डेस्कटॉप ओपन होके आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना होता है उसको सिंपल हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है यहाँ अपलोड होने लगता है, ठीक है ना। और जैसे ही हम सेंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो मेल क्या हो जाता है, सेंड हो जाता है। इसके बाद लास्ट आता है अपना सिग्नेचर। यदि मैं चाहता हूं कि जो मेरी मेल आईडी है उस मेल आईडी के अंत में अपने सिग्नेचर शो हो, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है सिग्नेचर का। यहाँ पर हम सिग्नेचर, कंपनी का लोगो, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है आपको कॉन्सेप्ट समझना है जो मैंने आपको समझा दिया है। देखो किसी भी ना, आप मैं बार बार बोलता हूँ, आप कुछ भी पढ़ो, चाहे कंप्यूटर पढ़ो, कॉम्पिटिशन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आप उनके जो नाम होते हैं उनकी छटनी करना सीखो। जब आप वर्ड की छटनी करना सीख जाओगे ना तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस की संरचना है, इसको विस्तार पूर्वक मैंने बकायदा बताया। यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, और पिछली वीडियो में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके देख लेना, ठीक है ना। अगली वीडियो में और अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।